गर्वे सदा देखिए दिवाली, ये मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि हम उस समय से देख रहे हैं, शायद कईयों का तो जन्म ही नहीं हुआ होगा। और ये ठाकुर की ताली आज से नहीं बजाई जाती, हमारे पीढ़ियों से बजाई जाती है, क्योंकि आपको पता है जब ठाकुर को भोग लगाते हैं तो पर्दा लगा के तीन बार ताली बजा के फिर पर्दा खोला जाता है। तो कीर्तन में जितनी देर बैठो भाव से बैठो, ताली बजा के एक दो आगे गए, लेकिन अब आपको बाबा के चमत्कार और कृपाएं बता रहा हूं कि बाबा कैसे कृपा करते हैं। यह मत समझना कि हमने बुला लिया, घर पे चले गए। कोई कहता है तीन इत्र की शीशी फेंको, बाबा कृपा हो जाएगी, तकदीर खुल जाएगी। उन चक्रों में मत पड़ना कभी भी। ये कलयुग का सरताज है,
पहले निचोड़ लेता है फिर भंडार भरता है, क्योंकि ये वो शख्स है कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि मुझे पुत्र नहीं होगा, औलाद नहीं होगी, और 10 साल तक हिंदुस्तान के बड़े से बड़े डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि भैया अब नहीं होगी। अरे मैंने कहा बावड़े, हम उसकी शरण में रहते हैं जो कलियुग का सरदार है, जो अपने शीश का दान दे सकता है वो क्या नहीं दे सकता। मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए। ठीक है, अगर बाबा मुझे कोई बेटा नहीं होगा तो हमारा जीवन ही बेकार है। चलो रिंग से खाटू तक 54 दिन की यात्रा करते हैं। रिंग से पैदल कौन कौन गया? खाटू आप गए हो, आप गए हो। कितना 18 किलोमीटर चलने में कितना मालूम पड़ता है ना, सुबह पैदल जाना, शाम को पैदल जाना, 2 घंटे रोज मंदिर के बाहर कीर्तन करना, और 54 दिन की 108 पद यात्रा। कितनी? 108। ये मौजूद थे सारे। और सबसे बड़ी बात और देखिए, जिस भक्त ने आदेश दिया था उसने एक बात और कही थी, 54 दिन तक कुछ खाएगा नहीं, सिर्फ एक गिलास दूध पिएगा। अब कल्पना कीजिए, 54 दिन तक सुबह एक गिलास और शाम को एक गिलास दूध पे चलना कितना मुश्किल है। लेकिन मेरी औकात नहीं, क्योंकि चलने वाला भी यही था और चलाने वाला भी यही था। बोल साचे दरबार की। आखिरी 54 दिन में जो ही 108 पद यात्रा पूरी हुई, ठीक 9 महीने बाद में सुंदर सा पुत्र दिया। बोल सच्चे दरबार की। फिर मैंने कहा बाबा हिंदुस्तान में इतने कलाकार हैं, मेरी इच्छा है कि तेरे को भारत के राष्ट्रपति अभी जो आके गए हैं, एक राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक लाके तेरे को पहनाऊं। 2007 में बाबा ने ऐसी कृपा की कि पूरे हिंदुस्तान से संगीत से बाबा का आशीर्वाद मिला और पहला राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक ला करके बाबा को खाटू पहनाया। बोल सच्चे दरबार की। तीसरी बात, अभी 4 महीने पहले इतने भयंकर टेंशन दी कि बाबा जो बेटा दिया है उसकी किस्मत भी संवार दे, एक ही बच्चा है उसको कैसे ना कैसे एक बार लाइन पकड़ा दे ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। यकीन मानिए, आपके पड़ोस में पटियाला थापर कॉलेज है जहां पर 99% से बच्चों से नीचे कभी एडमिशन नहीं हुआ, मेरे बच्चे के 95 थे। बोले पापा मेरा एडमिशन नहीं होगा, मुझे बावड़े तू इसकी शरण में बैठा, इसका दिया हुआ है, तेरा निश्चित सिलेक्शन है। और कृपा ऐसे देखिए कि 95 में बच्चे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया। हमारे जीवन की अब सारी, अब नहीं मानते कुछ भी, अब तो ये कहते हैं कि जिनका तेरे पे विश्वास है उनका कभी विश्वास ना टूटे, जैसे अटल विश्वास हमारा है। जो भी कोई भक्त तेरा विश्वास अटल लेके आता है उसके सभी काम मने पूर्ण करना बस।